जस की ताई जसवंती ने कबूला अपना गुनाह, कहा तड़फा तड़फा कर मारा था जश को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं करनाल इंद्री के गांव कमालपुर से, जहां पर एक 5 साल के मासूम की उसकी ताई के द्वारा बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ताई कहना गलत होगा, क्योंकि पुलिस ने पूरे परिवार को गिरफ्तार किया है। अब यह सिद्ध हो गया है कि पूरे परिवार ने ही मिलकर बच्चे को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जिस महिला ने बच्चे की लाश को फेंकते हुए देखा था, उस महिला का कहना था कि ताई यानी राजेश की पत्नी, जिसका नाम धनवंती बताया जा रहा है, उसने तो बच्चे को मौत के घाट उतारा था, लेकिन राजेश की मां ने बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद उसने सारे गांव वालों को वहीं पर इकट्ठा कर लिया था। पुलिस को तभी तुरंत उनके ऊपर शक हो गया था और उनको उठाकर पुलिस ले गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन घर वालों का कहना है कि जहां पर पुलिस उससे गिरफ्तार कर रही थी, वहीं पर धनवंती ने अपना गुनाह कबूल लिया था। धनवंती चीख चीख कर कह रही थी कि उसी ने 5 साल के मासूम जिसको मौत के घाट उतारा था। ताई चीख चीख कर कह रही थी कि हाँ, उसने ही बच्चे को मारा है, और ऐसे नहीं मारा, सिर्फ तड़फा तड़फा कर मारा है। इसके बाद धनवंती ने बताया कि पूरा परिवार इसमें शामिल था, एक ने नहीं, दो ने नहीं, पूरे परिवार ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद ताई जसवंती ने बताया कि तंत्र मंत्र विद्या के चलते उसने मासूम की हत्या की है। ताई का कहना था कि वह अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहती थी, जिसके बाद किसी तांत्रिक ने उसको बताया था कि अगर वह 4.5 से 5 साल के बच्चे की बलि देती है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद उन्होंने जश को चुना और पहले बच्चे का अपहरण किया, उसके बाद उसको रात को तड़फा तड़फा कर मारा है। दोस्तों ताई जब यह बात चीख चीख कर घर वालों को बता रही थी, तब बच्चे की मां तो बेहोश हुई हो गई, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई कि कितने दर्द में उसके बच्चे ने दम तोड़ा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी काफी नाम आ सकते हैं, यहां पर तांत्रिक के नाम और भी पुलिस इसके बारे में पूछताछ कर रही है। जल्द से जल्द और भी आरोपी इस मामले में आगे आ सकते हैं। दोस्तों हमारी मांग है कि जस के हत्यारों को सिर्फ फांसी दी जाए। आपकी क्या मांग है हमें जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी मामले की किसी नई अपडेट को लेकर। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।